राखी जो कि भाई बहनों का एक प्यारा सा त्योहार है, क्यों ना उसमें थोड़ी मिठास और घोल दे। आइए हम नटीज बनाते हैं आज, और उसमें हम कैरमल बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 बड़े चम्मच चीनी लिया है, और इसे पहले कैरमलाइज करेंगे। जब तक ये कैरमलाइज होता है, एक प्लेट पे आप अच्छे से उसे ग्रीस कर लें, चाहे साथ ही साथ जब तक ये मेल्ट हो तब तक आप काजू ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 10 बड़े काजू लिए हैं, और जिसे क्रश किया है। बहुत फाइन क्रश नहीं होना चाहिए, लेकिन इतने बड़े इसमें टुकड़े नहीं रहने चाहिए, जिसे मैं अभी तोड़ लूँगी, क्रश कर लूँगी। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम बटर डालेंगे। चीनी को आप पूरे इवनली अच्छे से स्प्रेड कर ले पैन पे, और आँच हमारा मीडियम टू हाई रहेगा, इसे हिलाना नहीं है जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। अब ये चीनी मेरा मेल्ट होने लगा है, इसे हम हिला लेंगे। अब आँच हम यहाँ पे थोड़ा मीडियम कर लेंगे, ताकि हमारा चीनी जले ना, इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन ना करें, एकदम लाइट ब्राउन होते ही इसे हिला ले, नहीं तो इसका बर्न टेस्ट आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। जब चीनी पूरा गल जाएगा तब हम इसमें बटर डालेंगे। आँच को एकदम सिम कर दीजिए, ताकि हमारा शुगर जले नहीं, ये कैरमलाइज जो हो रहा है वो जले नहीं। बस चीनी अब हमारा पिघलने वाला ही है, मैं इसमें अब बटर डाल दूंगी। गैस को बंद नहीं करना है, बटर मेल्ट करेंगे। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होगा, इसके अंदर हम काजू जो कि क्रश किया था हमने वो डाल देंगे। जो क्रश किया हुआ डाल रही हूँ, फिर 1 मिनट यूं ही हिलाते हुए गैस को हम बंद कर देंगे। अगर आपको बर्न टेस्ट पसंद है तो आप इसे थोड़ा और हिला लें, अदरवाइज ये एकदम परफेक्ट बन गया है। गैस मैं बंद कर रही हूँ। अब इसे एक कटोरी में आप निकाल लें, गरम गरम ही निकाल लें, क्योंकि अब हमें बॉल्स बनाना है, ये ठंडा ना हो। लेकिन ध्यान रखें, इस पे हाथ आप उंगली ना डालें, स्पून की हेल्प से ही आप सब काम करेंगे। ग्रीस किया हुआ जो प्लेट है, इसके अंदर हम थोड़े थोड़े से डालेंगे, ताकि ये फटाफट ठंडा हो जाए और हम बॉल्स बना पाए। आप देखिए, ये थोड़ी थोड़ी आधे आधे स्पून मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये थोड़े गर्म है अभी भी, हल्का जैसे ये ठंडा हो, नीचे तो चिपकेगा नहीं है। जैसे बॉल्स चाहिए आपको उतना आप डाल सकते हो। फिर इसे हाथ में उठा ले, हाथ हमारा चिकना ही है, नहीं तो हल्का सा हाथ पे घी या बटर लगा ले, फिर छोटे छोटे यूं बॉल्स बना ले। ये जो क्रंच मैंने स्प्रेड किया था, इसके छोटे छोटे बॉल्स बन गए हैं। आप छोटा छोटा स्प्रेड करेंगे, छोटा छोटा बॉल्स बनेगा, लेकिन इसे फटाफट बनाना है, ठंडा होते ही आप उसे मोल्ड नहीं कर पाएंगे। जो मेरी कटोरी में बची है वो काफ़ी ठंडी हो गई है, थोड़ा थोड़ा आप हाथ में ले लें, और इसके अब यहाँ पे डायरेक्ट आप बॉल्स बना सकते हो। इस प्रकार हाथ लेकिन थोड़ा चिकना कर ले, फिर आप बॉल्स को बना लें। यहाँ पे आप किसी दूसरे की भी आप हेल्प ले लें, क्योंकि आपको ये बॉल्स फटाफट बनाना है, ठंडा होने से पहले, और गर्म में आपको हाथ नहीं देना है। मैंने अपने बेटे की मदद ली और हम दोनों ने मिलके यहाँ पे ये बॉल्स तैयार कर लिए। ये मेरे बॉल्स बनके तैयार है। डिपेंड करता है आप कौन सी साइज रखना चाहते हो, लेकिन आप छोटे बॉल्स ही रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे। यहाँ पे मैं मिल्क कंपाउंड यूज़ करूँगी। नटीज में आप हमेशा देखोगे डार्क चॉकलेट नहीं रहता है, तो मोट का मैंने मिल्क कंपाउंड लिया है, और डबल बॉइलिंग करूँगी। अगर आपको माइक्रोवेव में चॉकलेट को मेल्ट करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे देखिए। 2 बार मैंने लिया है, और पानी यहाँ पे मैं गरम चढ़ा चुकी हूँ गैस पर। अब हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे हर वीडियोस को देख सकें, और किसी भी अपडेट को आप मिस ना कर सकें। मेरे वीडियोस पसंद आने पे आप उन्हें लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें आपको कैसा लगा। ये पतीले पे आप पानी डाल लो, जिसके अंदर जिसमें आप चॉकलेट गर्म करना चाहते हो मेल्ट, अच्छे से वो फिट हो जाए। नीचे पानी गर्म हो रहा है, उसके भाप से हीट से ये चॉकलेट मेल्ट होगा।
डायरेक्ट हीट नहीं करिए चॉकलेट को, अब थोड़ी देर वेट करिए। आप देख सकते हो ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। करीब 2 या 3 मिनट के बाद हमारी ये चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी। यहाँ पे मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच तेल डालूंगी। तेल हम लोग चॉकलेट के शाइनिंग के लिए डालते हैं, आप चाहे तो इसमें ना भी डालें। ये मैंने तेल डाल दिया है एंड चॉकलेट मेरा ऑलमोस्ट मेल्ट होने वाला है। बस ये मेल्ट होते ही मैं इसे यहाँ से निकाल लूँगी, नहीं तो आप यहाँ रख के ही उसे बनाइए ताकि ये गर्म ही रहे। मैं यहाँ नटीज दो शेप में बनाऊंगी, एक मैं आइस ट्रे में बनाने वाली हूँ और दूसरा हम बॉल्स में बनाएंगे। आइस ट्रे में सबसे पहले थोड़ा थोड़ा मेल्टेड चॉकलेट डाल देंगे, फिर उसके बाद हम हमारे नटीज के बॉल्स जो हमने बनाए हैं वो डालेंगे। नीचे में थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट है, अब हम छोटे छोटे बॉल्स जो हमने बनाए थे यहाँ पे डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी मोल्ड ले लें, बस उसका थोड़ा शेप छोटा होना चाहिए। अब सारे बॉल्स एक एक करके मैंने इसमें डाल दिया है, अब फिर से मैं उसे कवर कर दूंगी मेल्टेड चॉकलेट से। अच्छी तरह सभी गैप को फिल कर दिया है और इसे हम पैट करेंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रहे और जब ये निकल के आए तो एकदम शाइनी अच्छा से निकल के आए। यहाँ पे अब हम बॉल्स बना रहे हैं। बॉल्स को आप बाउल में डाल दीजिए जिसमें आपने चॉकलेट मेल्ट किया था, फिर एक एक बॉल को आप फोक के सहारे धीरे धीरे निकालें। चॉकलेट को ड्रेन करते हुए बाहर निकालें, किसी भी प्लास्टिक शीट या बटर पेपर पे रखें। ये हमारा फर्स्ट कोटिंग होगा, इसमें हम एक बार ओट कोट करेंगे क्योंकि जो चॉकलेट का लेयर जो लग रहा है वो बहुत पतला रहेगा। 10 मिनट मैंने दोनों ही चॉकलेट को फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये बॉल्स मेरा बाहर निकल के आया है। साइड के जो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स हैं उसे आप निकाल दें, नाइफ से भी निकाल सकते हो नहीं तो हाथ से निकाल लें। दूसरा कोट फिर दूंगी इसको मैं, फिर उसी तरह मेल्टेड चॉकलेट में हम ये चॉकलेट लगे हुए बॉल्स को डालेंगे और उसी तरह हम अच्छे से मिक्स कर लें उसे और एक एक करके हम चॉकलेट को ड्रेन करते हुए फिर उसे प्लास्टिक शीट या बटर पेपर पे रख दें। यहाँ पे हमारा 2 लेयर हो चुका है चॉकलेट का, जिसे खाने में अच्छा लगता है। नटीज एंड चॉकलेट दोनों का ही टेस्ट आता है और जो मैंने आइस ट्रे में बनाया था उसे एक ही लेयर देना। सेकेंड कोटिंग के बाद फिर से हम इस बॉल्स को फ्रीज़र में रखेंगे 10 मिनट के लिए और जो मैंने आइस ट्रे में चॉकलेट को मोल्ड किया था 10 मिनट के बाद हम फ्रीज़र से बाहर निकालेंगे। उसे उल्टा कर ले और वो इजीली बाहर निकल आएगा, नहीं तो हाथों से धीरे धीरे प्रेस करें चॉकलेट बाहर आ जाएगा। वाओ कितना सुंदर चॉकलेट लग रहा है, स्मूथ सिल्की। तो इस तरह हम स्क्वायर नटीज बना लिए हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे से शाइन कर रहा है और एक अच्छे शेप में बाहर आया है। उसी तरह अब हम नटीज बॉल्स को देखते हैं। ये भी 10 मिनट में फ्रिज में रखने के बाद मैंने बाहर निकाल दिया है और अगर आपका मेल्टेड चॉकलेट बच जाए तो आप उसमें कोई भी बिस्किट, मैरी बिस्किट या क्रीम केकर बिस्किट को डिप करें और चॉकलेट बिस्किट बना लें। साइड्स को आप नाइफ से काट के उसे अच्छे से शेप दे दें तो हमारे क्रंची कैरमल नटीज तैयार है। इस तरह मैंने दोनों शेप के नटीज तैयार कर लिए, लेकिन इन बॉल्स में थोड़े शाइन कम है। इसके लिए आप थोड़ा सा तेल डाल लें एक कटोरी में जिसमें आपने ये नटीज बॉल्स डाला है और अच्छे से इसे मिक्स कर लें तो बहुत ही अच्छा शाइन आता है इस चॉकलेट का। इस रक्षाबंधन में आप ये नटीज ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। नए नए रेसिपीज़, नए नए वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट।